आप वोट देंगे इनको? हाँ। इनको वोट दे देंगे? हाँ। इमरान खान का टिकट इसको दे दो, देंगे आप? देंगे आप भी देंगे? कौन से पुलिस की वैन बिल्कुल। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो इमरान खान टिकटॉक वीडियोस। और हम लोगों को पता लगा कि लोग उनको भाई बहुत प्यार कर रहे हैं, शाहरुख खान उनके फैन है, अमिताभ बच्चन से भी मतलब कि वो मिल रखे हैं, इवन हम लोगों ने वो लास्ट में देखा और वो किसी से डरते नहीं है। और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि उन्होंने जिस हिसाब से बोला कि भाई अगर मैं सही हूं ना तो मैं किसी से भी नहीं डरता, और जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है वो कहीं ना कहीं उनसे डरते भी और उनको डॉन डॉन भी बोलते हैं। बाकी देखते हैं कि ये वाली टिकटॉक कैसे होने वाली है। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये बंदा खान इसको टिकट देता है, वोट देंगे? ये हमारे एमपीए एमएनए है, एमएनए बन जाएगा ये? बिल्कुल बन। टिकट लैंड नो वन कोई नहीं है, ए बंदे को टिकट देता है इमरान खान, वोट दोगे तू? बिल्कुल देंगे। इमरान खान अगर ये भाई को टिकट देते आप वोट देंगे इनको? हाँ। इनको वोट दे देंगे? हाँ। इमरान खान अगर टिकट इसको दे दो, देंगे आप? देंगे आप भी देंगे? कौन से पुलिस की वैन बिल्कुल सामने खड़ी है, वोट बताएं किसका है? वोट इमरान खान का इंशाल्लाह। सामने पुलिस की वैन, कैमरामैन साहब दिखाओ जरा, दिखाओ जरा, सामने खलोती है, डर नहीं लग रहा? नहीं, वोट इमरान खान का जलवा है हमारा। इमरान खान साहब से तो बात करते हुए डर लगता है, वो तो 11,000 बोलता करंट मारते हैं आगे से, एक डॉन की तरह बिहेव करता है, गैंगस्टर की तरह। मैं बड़ा खतरनाक हूँ। मतलब इतना प्यार है। फर्स्ट सर्च गूगल पर्सन, फर्स्ट गूगल सर्च पर्सन। The second most searched person on Google in Pakistan. But my question was, who was number one? Did you find that really? He said it. Imran Khan, I'm telling you. आपको पता है 10,00,000 कैंसिल छोनस किया है? आओ मैं आपको अपने घर लेके जाता हूँ, अपनी माँ दिखाता हूँ। 4,00,000 के उसको दिल की बैटरी डली है, ठीक है? जब 4,00,000 मांगा था ना डॉक्टरों ने, 1 रुपया नहीं था। वो देखो मेरा बाइक खड़ा है, मैं बाइक क्या चला के अपने बच्चों को रोटी खिलाता हूँ, मजदूर हूँ मैं। इमरान खान क्या चीज है? काश इस कौम को पता लगे कि इमरान खान चीज क्या है। उर्दोगान के है, अपने ही मुल्क के जो सिटीजन है वो कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है इमरान खान। आज अगर इमरान भी कहता है, मैं गारंटी से कहता हूँ, आज अगर इमरान खान होता ना, इस इसराइल को बताता, ये अमेरिका को बताता, इमाम हुसैन अली मकाम अलैह सलाम रजी अल्लाह ताला ने वहाँ गर्दन किसके लिए कटाई थी? उम्मत को मिसाल देने के लिए कि हमेशा आग पे टटे रहो। बड़े बड़े महल यहाँ से दौलत उठा, ये अपने बाप की दुकान है पाकिस्तान, यहाँ से दौलत उठा और वहाँ जाके बना। इमरान खान को ये क्या कौम समझेगी मेरे भाई? का सवाल है मेरा कि मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा यहूदी एजेंट कहते थे, एक मिनट सुन ले जरा, सुन ले यार, सुन ले का ले लियो, जो दीन इस्लाम का नाम सुनने को तैयार नहीं, दीन इस्लाम के नाम पर हलवे मांडे खा गए, रब मालिक याद नहीं है, ऐसे ऐसे बोल रहे भाई। इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है जो खजाना है वो इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए, ये उसका जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं दुनिया से किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक उसका असल रूप दुनिया के सामने ना आ जाए, जो अंदर से है। तो मौलाना फजल रहमान साहब एक्सपोज हुए, पहला जो बयान दिया उन्होंने फलस्तीन को समझाया कि आप लोग ख्याल करें इसराइलियों का। मुल्क से तो नहीं भागूंगा, होगा हो सकेगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, जेल में डाल देंगे, डाल दे, तैयार हूं मैं जेल के लिए। इतनी गूज़बम्स आ रहे हैं भाई।
You think people will choose to see your movie or to go and eat dinner with Imran Khan? Even I love to go and dinner, eat dinner with Imran Khan. मैंने दो बैच इस्तेमाल किए थे लगान में, तो एक मैंने डोनेट किया, इमरान खान जी ने मुझे बुलाया था पाकिस्तान, वो कैंसर हॉस्पिटल है उनका जिसमें वो फ्री ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ के लोगों को। तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हों इसमें और जो नियत आप लेके चले उसमें आप कामयाब हों। मेरा दिल ये कहता है कि आप कामयाब होंगे। है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अब सब दुनिया के लोग समय में चक्कर आया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। मैं अकेले ही चला था जानवर मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आप पाकिस्तान में किसी के फैन हैं? इमरान खान साहब मुझे बहुत पसंद थे, हम दिल्ली आए थे, वो तो हमसे मुलाकात भी हुई थी और मुझे डांटा भी था उन्होंने। उन्होंने आपको भी डांटा? बहुत डांटा था उन्होंने। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर विद यू मिस्टर इमरान खान, एंड आई'd लाइक टू से दैट इफ इन द फ्यूचर देयर इज एनी एफर्ट वेयर यू विल रिक्वायर माय हेल्प, आई शुड सर्टेनली बी देयर। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क को इमरान खान से बचाना है, मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। खुला बोल दिया वो भी नेशनल टीम मर्जी को, क्या इमरान खान को दूंगी। बेजमीर भी है, बेगैरत भी है, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर तस्वीर भेज रहे हैं, ये कितनी सी औकात होती है। वोट वगैरह कास्ट करती हैं? अभी तक तो नहीं किया। अच्छा अभी तक नहीं किया, इंतजार कर रही है किसी का, किसको देना है? इमरान खान को। जिस मर्जी को दीजिए, मगर दीजिएगा जरूर। जरूर, जिस मर्जी को क्या, इमरान खान को दूंगी मैं। उनका रिश्ता तब अच्छा था कि जब मतलब कि हम दोनों ही देशों का रिश्ता अच्छा था। अब हालांकि अब दोनों ही देशों में जाना अलाउड नहीं है, तो फिर वो मिलना मिलना नहीं हो पा रहा है ये करके। वरना पहले तो ऐसे था कि जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, वो भी इमरान खान के फैन है। वो सिद्धू वाली उन्होंने देखा, उन्होंने शायरी करी कि जैसे इमरान खान जैसे लोग पैदा होते हैं वो मतलब वक्त बदलने के लिए होते हैं, कि जो पूरा गंदा सिस्टम है ना उसको चेंज करने के लिए होते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, जिस हिसाब से लोग उनको प्यार कर रहे हैं, वो सेलिब्रिटी पाकिस्तानी एक्ट्रेस क्या करती कि आप किसको वोट दोगे, मैं तो इमरान खान को दूंगी। नेशनल टीम में उसको अपनी जान का कोई खौफ नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करो, आप खुला वो इसमें इंटरनेट पे बोल रहे हो क्योंकि, तो आपको किडनैप कर रहे हैं कुछ ऐसे। क्योंकि बीच में तो यही हो गया था इमरान रियाज खान, जो हम लोगों ने पहले वीडियो देखी थी उनकी, कि वहां पे वो इमरान खान के सपोर्टर थे, उनको बोलते थे, और उनको किडनैप कर दिया गया पाकिस्तान से। वो कम से कम साल 6 महीना गायब रह गए। और सेम एक ऐसी आंटी थी, वो भी पाकिस्तान से थी, उनको भी ऐसे कर दिया। तो मतलब कि जो पाकिस्तान है वहां पे देखा जाए डेमोक्रेसी नहीं है ना, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। फिर भी लोग एक्टर एक्ट्रेसेस जब उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ उस देश में, स्टिल वो बोल रहे चल ठीक है आप फॉरेन से हो, तब तो आप कुछ होएगा भी नहीं क्योंकि उस देश में आप नहीं आ सकते है ना। लेकिन अगर आप उस देश के हो, उस देश में रह रहे हो, स्टिल आपको ऐसे हो, तो यार ये बताता है कि आप उनकी कितनी इज्जत और उनसे कितना प्यार करते हो। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये वाली भी। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने। बाय।